बाकी ने अपनी सारी लाइफ खुद को ताकतवर बनाने में लगा दी, लेकिन उसके फादर जो कि धरती के सबसे ताकतवर आदमी है हमेशा से उसे कमजोर समझते हैं और उसकी मॉम को मारने का फैसला करते हैं। तब से बाकी अब 18 साल का है और धरती के सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा है ताकि उसे अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका मिले। कहानी की शुरुआत होती है रोमिना नाम के छोटे लड़के से जो हाई स्कूल में जाकर वहां के ताकतवर स्टूडेंट को चुनौती देता है। अब कुछ घंटों बाद रोमिना अपने अपोनेंट का इंतजार करता है और बाकी वहां उसके सामने आता है। रोमिना के हाथ में एक चाकू है और वो सोचता है बाकी दिखने में कमजोर है, ये ताकतवर स्टूडेंट नहीं हो सकता। बाकी अपनी जैकेट उतारता है और अपने लड़ाई के पोज में खड़ा होता है। बाकी की मसल्स देखने के बाद रोमिना को एहसास होता है उसने गलती कर दी है। वो डर के मारे कांपने लगता है और उम्मीद करता है बाकी उस पे नरमी दिखाएगा, लेकिन बाकी हमेशा अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो तेजी से हवा में गायब होता है और जोर का थप्पड़ रोमिना के बट पर मारता है जिससे वो उड़ते हुए नदी में जाकर गिरता है। जैसे ही छोटा बच्चा किनारे पे आता है बाकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है इसके दोस्तों ने इस बच्चे को बुलेट करा था लड़ने के लिए। वो उससे कहता है वो उन लड़कों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी उनके पीछे एक फौजी दिखाई देता है जो कि बाकी को कहता है उसके फादर जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब उस फौजी के जाने के तुरंत बाद ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में पंच मारने लगता है। रोमिना को एहसास होता है कि वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बाकी अपने दुश्मन की कल्पना करता है और अपनी कल्पना के अनुसार लड़ाई करता है। रोमिना बाकी के मूवमेंट्स को देखता है और उसे उसका दुश्मन दिखाई देने लगता है जो कि पहले का कभी ना हारा हुआ बॉक्सिंग चैंपियन आयरन माइकल है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी सिल्यूजन से मार भी खा रहा है जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून बहने लगता है और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है और अपने किक से उसका एक ही बारी में खात्मा करता है। बाकी उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। रोमिना उससे पूछता है वो अपने फादर से कैसे लड़ेगा जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। बाकी उसे बताता है उसके बेसमेंट में एक ताकतवर अपोनेंट है, ऐसा अपोनेंट जो कि लॉयन टाइगर एलिफेंट यहाँ तक कि कैंसर भी उसके ट्रेनर को नहीं हरा सकता। अब वहां पहुंचने पर रोमिना दिखता है बाकी अपनी लड़ाई के पोज में है और अचानक से वो दीवार के पीछे जाके गिरता है। अब वो टेबल के पास जाता है और देखता है बाकी का अपोनेंट एक प्रेइंग मैंटिस है। उसे ये समझ नहीं आता कैसे एक छोटा सा इंसेक्ट एक खतरनाक अपोनेंट हो सकता है। बाकी उसे समझाता है 180 किलो का टाइगर अपने वजन का 4 गुना उठा सकता है लेकिन इंसेक्ट्स उनके वजन से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। प्रेइंग मैंटिस इस दुनिया में आसानी से कुछ भी कुचल सकता है अगर वो इंसानों के आकार जितना होता। बाकी अपनी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करके एक 90 किलो का प्रेइंग मैंटिस क्रिएट करता है। पहले भी उसने यही किक यूज करी थी पर वो पीछे की तरफ पुश होता है। वो चौंक जाता है और मुश्किल से ही उस हमले पे रिएक्ट कर पाता है। वो फिर से किक मारने की कोशिश करता है पर इंसेक्ट उसके किक को रोक देता है और उसे दीवार की तरफ फेंकते हुए तोड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है रोमिना को उस इंसेक्ट का बड़ा आकार दिखाई देने लगता है। वो देखता है बाकी उसके हमले को डॉच करते हुए उसके गर्दन पे किक मारता है पर इससे इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं होता और वो दोबारा से उसे फेंकते हुए छत को तोड़ता है। वो फिर से खड़ा होता है और इंसेक्ट के गर्दन को चोक करने कोशिश करता है पर वो किस तरह अपने को छुड़ा लेता है। बाकी उसको जकड़ के उसके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है पर फिर से वो टेबल की तरफ उड़ते हुए उसे तोड़ता है जिस कारण उसका खून बहने लगता है। उसे एहसास होता है इस इंसेक्ट की ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई ब्लाइंड स्पॉट, तो क्या उसे अपनी जान बचा के भागना चाहिए। पर वो जानता था अगर वो अभी भाग जाएगा तो वो उस समय भी भागने की सोचेगा जब वो अपने फादर से लड़ रहा होगा। अपने चेहरे पे स्माइल रखते हुए वो फैसला करता है वो हर चीज का डटकर सामना करेगा। अब वो एक जोरदार चोट मैंटिस को पहुंचाता है जिससे वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसका अपोनेंट टोरेकन टेक्निक के सामने कमजोर है। ये वही टेक्निक है जो कि मॉन्क ने बनाई थी जब उसने देखा था प्रेइंग मैंटिस एक स्पैरो के खिलाफ लड़ाई जीत गया था। उस दिन के बाद से उसने इंसेक्ट को देखते हुए अपनी लड़ने की टेक्निक को बनाया। अब इस तरीके का यूज करके बाकी उस इंसेक्ट पे हावी होना शुरू होता है। अब उस पे कई सारे घातक हमले करके वो उसे पीछे की तरफ फेंकता है। वो उसके लड़ने के तरीके को अपनाकर एक नए लेवल की स्ट्रेंथ पाता है। इंसेक्ट अब उससे डर कर बचने लगता है। बाकी को एहसास होता है अब मैंटिस उसका अपोनेंट नहीं है और वो लड़ना बंद कर देता है। अब बाकी को एक ताकतवर अपोनेंट की जरूरत थी ताकि वो ट्रेन हो सके अपने फादर के खिलाफ, इसलिए वो अमेरिका जाके प्रेसिडेंट को किडनैप करता है ताकि उसको जेल भेजा जाए जहां उसे सबसे ताकतवर क्रिमिनल्स मिले। अब अरेस्ट होने के बाद बाकी को एरिजोना स्टेट की जेल में भेजा जाता है जहां वो जेल के डायरेक्टर से मिलकर वहां के सबसे ताकतवर आदमी अनचेन से मिलवाने को कहता है। डायरेक्टर उसकी बात मानता है और बाकी उससे मिलने जेल की तरफ जाता है। वो नोटिस करता है हर तरफ टाइट सिक्योरिटी है। अब वो अनचेन के सेल में पहुंचता है पर वो चौंक जाता है ये देखकर कि उसका कमरा 5-स्टार होटल जैसा है। बाकी उसे चुनौती देता है पर अनचेन मना कर देता है। वो कहता है अगले हफ्ते वो दूसरे सबसे ताकतवर इंसान से लड़ने वाला है और अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले
दूसरा सबसे ताकतवर फाइटर बनना होगा। बाकी उसकी बातों को अनसुना करके एक पंच उसके मुंह पे मारता है, लेकिन अनचेन का मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब उसे उसके सेल में ले जाया जाता है, जहां वो असली के आयरन माइकल से मिलता है। आयरन उसे बताता है कि वो जेल के टॉप 10 में भी नहीं आता है, और खुलासा करता है वो रैंक के लिए लड़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि सब यहाँ पे इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी जान न गवा दे। अब अगली सुबह वो नंबर 2 से मिलता है, जुन गुवेवारू, जिसको जेल के गार्ड से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो उसकी हर हरकत को नजरअंदाज कर रहे थे और उसे दूसरे कैदियों से अलग नाश्ता मिल रहा था। अब एक आदमी जुन को चैलेंज करता है, वो दोनों लड़ाई के लिए जिम में जाते हैं, लेकिन जुन तुरंत ही उसे सुमो में हरा देता है, जो कि उसके अपोनेंट की खासियत थी। इसके बाद बाकी जुन से बात करने जाता है, लेकिन गार्ड उसे रोकता है और उस पर डंडे से वार करता है, जिसके बाद उसे अकेले काल कोठरी में बंद किया जाता है। अब एक बूढ़ा कैदी बाकी के लिए छुपके से खाना लेके आता है, क्योंकि उसके दोनों अंगूठे पीठ के पीछे हथकड़ी से बंधे थे। अब वो उसे खाना खिलाता है और जुन के पास्ट के बारे में बताता है, जिससे बाकी को पता चलता है कि वो भी अनचेंज से लड़ना चाहता है। तभी अचानक से वहाँ एक गार्ड अंदर आता है, वो उस बूढ़े आदमी को बाकी से बात करने के लिए मारता है। बाकी उसे धमकाता है। अब गार्ड बाकी को मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक जोर के किक मारते हुए दूर फेंकता है और कहता है, उसके हाथ बंधे होने का ये मतलब नहीं है कि वो लड़ नहीं सकता। वो अपनी हड्डियों को डिसलोकेट करता है और गार्ड को बुरी तरह मारता है। वो गार्ड को ऊपर से धक्का देता है, पर उसे बचा लेता है। अब अपने पुराने सेल में वापस आने के बाद बाकी जुन से कहता है वो उससे लड़ना चाहता है अनचेंड से लड़ने के बाद। तभी उसी समय अनचेंड दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। अनचेंड अपना लड़ने का कारण जुन को बताता है और कहता है उसके पास एडवांटेज है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा है। बाकी उनकी बातचीत को रोकते हुए उनको कॉलर से पकड़ लेता है, पर वो दोनों मिलकर एक जोरदार हमला उस पे करते हैं और वो दूर जाके गिरता है। अब अनचेंड कहता है ये रुमाल उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है और उसको बच्चों की तरह सूंघने लगता है, लेकिन जुन उसके रुमाल पे थूकता है, जिससे लड़कियों की तरह वो चिल्लाते हुए अनचेंड वहां से भागने लगता है। अब लड़ाई के दिन ग्राउंड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तभी सब देखते हैं अनचेंड अपनी पीठ पर बैट उठा के आ रहा है, जिसमें उसकी लवर मारिया है और उसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब वो फैसला करते हैं उनकी लड़ाई एक गेम के जैसी होगी, जिसमें दोनों रुमाल की एक साइड को पकड़ेंगे और जो पहले रुमाल छोड़ेगा वो लूजर होगा। अब लड़ाई शुरू होती है। जुन अपना पहला अपरकट अनचेंड को मारता है और फिर लगातार उस पे पंजेस की बारिश करता है। अनचेंड बस गिरने ही वाला था, इसके बावजूद भी उसने रुमाल को अपनी उंगलियों से पकड़ के रखा था। सिर्फ अपने थंब और छोटी उंगली की स्ट्रेंथ से वो वापस से खड़ा हो जाता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है, पर ये देख के बाकी बोर हो जाता है। वो सीधा जाके मारिया के बगल में सो जाता है। अब अनचेंड की नजर वहां जाती है, वो पूरी ताकत से जुन को पंच मारता है और वो उड़ते हुए दीवार में जा गिरता है। जुन वापस से कमबैक करता है और अनचेंड को पीटना शुरू करता है, पर वो उसे उठा के जमीन पर पटक देता है। जुन फैसला करता है वो हार नहीं मानेगा और फिर अनचेंड की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है उसकी मसल्स दुनिया में सबसे मजबूत है, कहते हुए उस पर हमला करता है। अब अनचेंड को हराने के बाद वहाँ बाकी का फादर आता है। उसने प्रेसिडेंट को किडनैप किया था, जिससे वो जेल में घुस पाए। उसने सुना था यहाँ ताकतवर लोग लड़ाई कर रहे हैं। वो जुन को जीत के लिए कांग्रेट्स करते हुए कहता है वो धरती का सबसे ताकतवर इंसान है। अब इतने में ही अनचेंड अचानक से आके जुन पे हमला करता है, पर इस बार जुन लड़ाई करने लायक नहीं रहता। अब बाकी जेल से भागने का फैसला करता है, लेकिन डायरेक्टर और सारे गार्ड्स गन के साथ उसे घेर लेते हैं। वो डायरेक्टर का चश्मा और गार्ड के बटन पहले ही तोड़ देता है और वो ये नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी आंखें बाकी की स्पीड मैच नहीं कर सकती। वो डायरेक्टर से कहता है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा, वो बस स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को दिखाना चाहता था, वो उसकी तरह ही है। अब बाकी को वापस से काल कोठरी में अकेला बंद कर दिया जाता है। आखिरकार अनचेंड बाकी से लड़ने के लिए आता है। वो बाकी को जोरदार हिट करता है, जिससे वो दीवार को तोड़ते हुए दूसरे सेल जा पहुंचता है। बाकी अपने शोल्डर को डिसलोकेट करता है और हथकड़ियों को तोड़ डालता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। बाकी उसे पंच मारता है, लेकिन अनचेंड को कुछ नहीं होता। वो उसका हाथ पकड़ के उसे हल्की तरह धोता है। अनचेंड बाकी को पंच मारता है, जिससे वो दरवाजे को तोड़ते हुए ऊंचाई से सीधा ग्राउंड फ्लोर में जाके गिरता है। अनचेंड अब नीचे जम करके आता है। बाकी उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर वो उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन बाकी दूसरे पैर से लगातार उसको किक मारता है, जब तक वो उसे मार के दूर नहीं फेंक देता। जमीन में पड़े बाकी को वैसा ही महसूस होता है जैसा उसे अपने फादर से लड़ते समय हुआ था। अब बाकी वापस फिर से खड़ा होता है और उसकी मसल्स इस बार इतनी हार्ड थी कि लोगों को उसकी पीठ में डेविल का चेहरा दिखाई दे रहा था। अनचेंड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी इतना फास्ट था कि वो उसे नीचे ढेर कर देता है। अब गार्ड्स वहां पे रिप्ले देखते हैं कि बाकी ने 0.1 सेकंड में ही उसे हिट करके नीचे गिराया। अनचेंड खड़ा होता है और एक बॉल की शेप में श्रिंक हो जाता है। बाकी उस पर अटैक करता है, पर अनचेंड उसे निगल कर बाहर फेंकता है। पर बाकी इस बार कमजोर हालत में था। वो बाकी को हार मानने के लिए कहता है, पर बाकी वापस खड़ा होके उसकी नाक तोड़ते हुए कहता है कि वो उसका इस्तेमाल अपने फादर से लड़ने की प्रैक्टिस के लिए कर रहा है। दोनों एक दूसरे पे एक साथ पंच मारते हैं और यहाँ लगातार पंचेस चले ही जा रहे थे। बाकी के कई सारे डांट टूटते हैं, पर वो अपने सर से जोरदार हमला उस पे करता है और अपना आखिरी मैसिव पंच मारता है। बाकी अधमरी हालत में ऊपर देखता है, उसके सामने कोई नहीं था। अनचेंड पहले ही नॉकआउट हो
चुका था उसका आखिरी पंच खाने से पहले। अगले दिन बाकी को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो अब अपने फादर से मुकाबला करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट एनीमे रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।